हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम। मेरे इस पेज में आपका मैं स्वागत करता हूँ जिसका नाम है मेंटर्स अड्डा। दोस्तों, जैसा कि एचटीएमएल क्लास चल रहा था, एचटीएमएल के क्लास में आज हम सीखेंगे लिंक्स बनाना या एंकर टैब। ये क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपनी एक वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे मेरी एक वेबसाइट है eurobitsoft.com। इस वेबसाइट के थ्रू मैं सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट का ये सारा काम मैं जो करता हूँ अभी राइट नाउ, और मेरी को बहुत सारी सर्विसेज भी है जिसको मैं सेल करता हूँ इसके थ्रू। तो जैसे मैं एक वेबसाइट खोल के मैं एक एग्जांपल देके मैं आपको एंकर टैब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे। जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट खुली, वेबसाइट खुलने के बाद में क्या होता है कि वेबसाइट में बहुत सारे लिंक्स होते हैं। जैसे जब हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई नया पेज हो जाता है या ओपन हो जाता है, या हम जब किसी फोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद कोई नया पेज खुल के आ जाता है ना। तो या किसी वेबसाइट पर हमने देखा होगा कि फेसबुक का पेज लगा हुआ है, जो ही वहाँ पर जाकर कोई फेसबुक पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक एक नया फेसबुक का पेज खुल के आ जाता है। तो ये सब कैसे होता है, जैसे ये देखें, ये सारे लिंक्स हैं। यदि मैं किसी भी लिंक पेज पर क्लिक करूँ तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक खुल के आ जाएगा। यदि मैं वेबसाइट के नीचे जाऊँ तो नीचे देखिए सारे टैब्स लगे हुए हैं इस तरीके से। यदि मैं यहाँ फेसबुक पर क्लिक करता हूँ, जैसे मेरा फेसबुक का लिंक है, तो जो ही मैंने फेसबुक के लिंक पर क्लिक किया, अब देखिए बगल में एक नया पेज ओपन हुआ, एक नया टैब ओपन हुआ सॉरी। उस टैब के अंदर में एक नई पेज खुल रही है, किस नाम से, फेसबुक। यानी फेसबुक पे जो आईडी है मेरी, आईडी इन द सेंस मेरी कंपनी की जो आईडी है यूरोबिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की, उसकी देखिए यहाँ पे पेज ये ओपन हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से यदि मैं देखूँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ढेर सारे मेनूज होते हैं राइट। मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि सर्विसेज की एक पेज खुल के आएगी राइट। तो ऑब्वियसली इस लिंक के पीछे जो सर्विसेज लिखा है इसके पीछे कुछ कोडिंग हुई होगी। वो कोडिंग क्या होती है, या जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा, जैसे मेरे इन सर्विसेज में एक है बल्क एसएमएस। यदि मैं बल्क एसएमएस पे क्लिक करता हूँ, या आप देखो कि जिस पे मैं क्लिक करूँगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीचे आती है। जब मैंने बल्क एसएमएस पे क्लिक किया तो नीचे देखिए दो लिंक है, एक सेंड इंक्वायरी, एक है क्लिक हियर टू चेक योर डीएनडी नंबर। जैसे होता है ना कि हम लोगों ने डीएनडी एक्टिवेट करा दिया, तुम्हारे नंबर पर क्या डीएनडी एक्टिवेट है या नहीं है चेक करना है। तो आपने जो ही कोई इस लिंक पर क्लिक किया तो बगल में आप देखो यहाँ पे ट्राई की वेबसाइट की एक लिंक खुल जाती है गवर्नमेंट की, और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कोई भी इंसान अपना ये चेक कर सकता है कि उसके नंबर पे डीएनडी लगा है या नहीं लगा है, जैसे यहाँ पर डाल के। तो ये कहाँ से मैंने ओपन किया, ये मेरे वेबसाइट के नीचे ये लिंक पड़ा हुआ था। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्रोम को बंद। आप देखें मेरे सामने एक बेसिक फाइल खुली हुई है जिसके अंदर में हेड, बॉडी और एचटीएमएल टैग लिखा हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं इसमें एक हेडिंग, हेडिंग में हम देते हैं H1। H1 में हम लिख के देते हैं कि टुडेज, ओके टुडेज टॉपिक इज एंकर टैग। ओके, चूंकि एंकर टैग को हम लिंक भी बोलते हैं तो हम इसको लिंक लिख देते हैं कि लिंक टैब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, ये रहा, मैंने इसको क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करने के बाद में हम इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, तो CENTER सेंटर, सेंटर क्लोज, यहाँ से कट किया, नीचे ला के मैंने पेस्ट किया। उसके बाद में हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर में। आइए देखते हैं कैसा ये दिखाई दे रहा है। तो हम जब टुडेज टॉपिक इज एंकर टैब या लिंक्स टैग राइट। तो अब हम इसको थोड़ी सी आके थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी करते हैं। हम आते हैं हेड के अंदर में, हम लिखते हैं यहाँ पर स्टाइल। ध्यान दीजिए मैं बार बार ये लिख रहा हूँ, हमेशा लिखवाऊंगा आपसे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। स्टाइल में हमने क्या लिखा, H1, H1 के बाद में ब्रेसेस आपने दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। आपने उसके अंदर में क्लोज टैग लिखने स्टार्ट किया, उसके वैल्यू देने स्टार्ट किए। मैंने कहा इसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली आपको ताहोमा राइट। फिर मैंने कर्ली, फिर मैंने सेमी कोलन दिया, सॉरी सेमी कोलन के बाद मैंने लिखता हूँ यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज आप दे दो 30 पिक्सल, 30 पिक्सल कर दिया। साथ में मैंने यहाँ पे सॉरी अगेन सेमी कोलन, फिर मैंने दिया कि इसका कलर COLOR, कलर आप इसका कर दो TEL, टील। एंटर, कंट्रोल एस। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ विंडो में जाके, सॉरी विंडो में देखिए ये हमारा लिंक हो गया राइट। हम इसको एक काम और करते हैं, बैकग्राउंड। अब ध्यान दीजिएगा जो टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ ये सबके लिए सेम अप्लाई होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। बैकग्राउंड कलर यदि चेंज करनी है तो बैकग्राउंड लिख के मैंने दिया कि जो सेंटर टेक्स्ट और जो H1 का जो बैकग्राउंड है उसको आप कर दो मान लो गोल्ड राइट। ये गोल्ड कलर की एक बैकग्राउंड हो गई,
ये हो गया, सिल्वर करते हैं, अच्छा लग रहा है। ओके तो हमने यहाँ पे किया सिल्वर अगेन सेमी कॉलन, लुक ये हो गया हमारा कंप्लीट हेडिंग। दोस्तों जी बताऊं कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो टोटल लेफ्ट से लेकर राइट तक का पूरा एरिया वो टैग या वो लाइन कवर कर लेती है, ये वो सिंटैक्स। इसको कैसे हम छोटा करेंगे और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर देना चाहें तो कैसे देंगे, इसको हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको इतना बता दिया। अब हम आते हैं, मान लीजिए मैं इस पर लिखता हूँ कि इसके नीचे मैं देता हूँ कि क्लिक हियर, लाइक मैं चलिए एक पेज टैग लेता हूँ सिर्फ पी। मैंने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, क्लिक हियर टू ओपन यस मेंटर्स अड्डा, राइट। मैंने यहाँ क्या दिया कि इस पर क्लिक करने के बाद में मेंटर्स अड्डा खुल जाए, ऐसा होगा। कंट्रोल आर, हमने रिफ्रेश मारा, क्लिक किया, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंपल एक पैराग्राफ है। अब यदि मान लीजिए मुझे इसको लिंक में कन्वर्ट करना है तो जहाँ पे जिस भी चीज़ को लिंक में कन्वर्ट करना है उसके ठीक पहले हम एक और नया टैग लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग। अगेन एचटीएमएल कमांड ए, सॉरी लेस देन, हमने लिखा ए, ए इज फॉर एंकर टैग, इसको हमने क्लोज किया। और क्लोज करने के बाद में इसकी जो यानी ओपनिंग यहाँ हुई और क्लोजिंग हम जाके कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये जो बीच के इस इन दोनों के बीच में जो चीज़ आएगा उसको ऑटोमेटिक एचटीएमएल का लैंग्वेज है, ब्राउजर उसको लिंक मानेगा। ओके दोस्तों, तो इसके बीच में ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के पहले और लास्ट में मैंने एंकर टैब दिया। अब एंकर टैब कुछ वैल्यू होती है कि भाई खुलेगा तो क्या खुलेगा, जिसको हम खोलते हैं एच आर ई, एच आर एफ मतलब हाइपर रेफरेंस, यानी रेफरेंस साइड क्या होगी। तो अगेन वही मैंने क्या किया था, आप ध्यान दो इक्वल टू डबल कोट के अंदर में क्या लिखना है यहाँ पे, उस वेबसाइट का नाम जिसको आपको आप ओपन करना चाहते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले HTTP, जैसे वेबसाइट सॉरी आई थिंक मेरा इंसर्ट चालू है, यस जैसे हम वेबसाइट लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं HTTP डबल कोलन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हमने दे दिया मेंटर्स अड्डा सॉरी अड्डा डॉट कॉम, राइट। तो मैंने लिखा मेंटर्स अड्डा डॉट कॉम, इसको चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, साथ में इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ क्लोजिंग टैग नहीं था, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए यहाँ क्लोज हो रहा है, इधर पैराग्राफ स्टार्ट, फिर ए की क्लोजिंग टैग यहाँ पे, राइट। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, और आप यहाँ पे देखिए जो ही एक लिंक में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एक लिंक गया तो लिंक में कन्वर्ट होते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्राउजर देखिए, ब्राउजर में क्या हुआ, इसको थोड़ा विंडो में छोटा करता हूँ, इसमें पढ़ने में इजी रहे, राइट। देखिए तो यहाँ ब्राउजर में क्या हुआ, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो क्लिक हियर टू ओपन मेंटर्स अड्डा, एक अंडरलाइन हो गया और एक लिंक की तरह दिखने लगा। जैसे जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही इसी विंडो में क्या खुलने लगा, अब देखिए मेरी वेबसाइट यानी मेंटर्स अड्डा डॉट कॉम ओपन होना शुरू हो गया, ये खुल के ओपन होके आ गया। ऐसा क्यों, हम इसको बैक करते हैं, अगेन वहाँ पे आ गए, ये इसी विंडो में क्यों खुल गया, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू वही होती है। अब हम इसको यदि दूसरे विंडो में दूसरे टैब में खोलना है तो यहाँ हम आते हैं, हम यहाँ करते हैं टारगेट, एक अगला टैग होता है जो एट्रीब्यूट होता है जो ए का है, यानी एंकर टैब का एट्रीब्यूट। यहाँ देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, ब्लैंक पेरेंट सेल्फ टॉप, आप तीनों का जनरली यूज नहीं आता, बाई डिफ़ॉल्ट सेम विंडो होती है, आप यहाँ पर ब्लैंक कर दीजिए, मीन्स टारगेट ब्लैंक। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, फिर रिफ्रेश किया, अब हम इस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी विंडो, इस विंडो में हमें है ना इस टैब के अंदर यहाँ पे क्लिक करते हैं, बगल में एक नया टैब खुल गया और वहाँ पे वेबसाइट आ गई, हमारी पेज यहाँ पे है। और यदि हम टारगेट ब्लैंक हमने नहीं दिया तो ऐसे कंडीशन में आपके सेम पेज में ही ओपन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लिख तो देना होता है, यानी हम सिंटेक्स तो बना देते हैं लेकिन हम चाहते हैं क्लिक करने के बाद कुछ खुले नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट का नाम है इसको इरेज करिए और यहाँ पे हैश लगा दीजिए। यदि आप हैश लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका लिंक तो रहा, कंट्रोल एस ने सेव किया, रिफ्रेश किया, और यदि मैं इस पर करता हूँ तो आप देखो ब्लैंक खुल रहा है क्योंकि यहाँ पर टारगेट ब्लैंक लिखा हुआ है। ओके टारगेट ब्लैंक, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, यस कंट्रोल एस ने सेव किया, टारगेट ब्लैंक किया, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं ओपन होगा, क्यों, क्योंकि लिंक तो है लेकिन इस लिंक के सामने यहाँ पे हैश मीन्स कि कुछ भी ओपन नहीं करना है इसको अभी,
और आप एक चीज़ बता दूँ कि जब भी कोई चीज़ लिंक में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो अंडरलाइन हो जाती है। आप देखे होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर में कि जब भी वहाँ ले जाएंगे तो एक फिंगर बन जाती है, पॉइंट हो जाती है पॉइंटर, साथ में अंडरलाइन रहती है, ब्लू कलर होती है। ये बाई डिफ़ॉल्ट इसका ये टैग होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इसके साथ में हम और क्या क्या कर सकते हैं। थ्रो स्टाइल, ठीक है। तो हम आते हैं इसको, हम जहाँ पेज वन क्लोज हो रहा है इसके साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे ए, एम एस एंकर टैग। इसके अंदर में क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग, जितने भी एंकर टैग हो सबसे पहले क्या करना है कि उसका TEXT, टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि जो अपने आप बाई डिफॉल्ट ये वैल्यू आ रही नहीं होनी चाहिए, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन यानी NONE। अब ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन से ही हम अंडरलाइन ओवरलाइन ये सब भी करते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को देना है तो हमने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि इसमें कोई भी अपने आप बाई डिफॉल्ट स्टाइल, मतलब हमने इसको कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, फिर देखते हैं आप ऑटोमेटिक, देखिए इसके नीचे की वो लाइन देखिए ऑटोमेटिक चली गई। ओके, इसके बाद हम करते हैं कि इसका हम कलर लिखते हैं कि हम इसका, चलो कलर हम देते हैं इसका, मान लीजिए आपका ब्लू, सॉरी ब्लू तो बाई डिफॉल्ट होता है इसलिए उसको नहीं दे देंगे हम, इसको देते हैं ग्रीन, राइट। हमने इसको ग्रीन कलर दिया, हमने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, फॉन्ट साइज हमने इसको दिया लाइक मान लो आप 18 पिक्सल, राइट 18 पिक्सल दे दिया। और इसके बाद हम कंट्रोल एस एम भी अगेन सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कलर ग्रीन हो गया, तो हमने ये देखा। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हम एंकर टैग के साथ क्या कर सकते हैं कि आप ध्यान देते होंगे कि जब किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो कोई ना कोई एक इफेक्ट वहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। ओके, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ये वेबसाइट है, जो ही मैं ये एरो ले जा रहा हूँ तो आप देखो ये कलर इसका क्या हो जा रहा है, ऑरेंज हो जा रहा है और ये हल्का सा स्लाइड होकर नीचे आ जा रहा है सारी मीनू, राइट। तो ये कैसे होता है इसके हम देखते हैं। जब भी कोई टैब होता है ए, हमने कहा कि जब ए इमल्स एंकर टैब, जब एंकर टैब पे होवर किया जाए, होवर मीन्स जब उसके ऊपर माउस ले जाया जाए तो क्या होना चाहिए। मैंने ये किया अगेन, मैंने इसको दिया कि जब इसे कोई होवर करे तो पहले तो कलर आप कर दो COLOR। ओके, कलर आप क्या करना है आपको रेड कर देते हैं, ठीक है। साथ में एक चीज़ और देखते हैं कि इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि जब भी कोई वहाँ एरो ले जाए तो अंडरलाइन हो जाए। ओके, हमने कलर दिया रेड, रेड के बाद में यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, हम कहते हैं किस तरह का अंडरलाइन, राइट, कि अंडरलाइन कि जब भी कोई इस पे होवर करे तो ये अंडरलाइन भी हो जाना चाहिए। और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम ब्राउजर में चेक करते हैं, ये रहा। आप देखो यहाँ पे जो ही मेरा माउस ले गया या कलर क्या हो गया रेड और नीचे क्या हो गया अंडरलाइन। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे ये चेंजिंग सारी शुरू हो गई। ओके, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी ऐसी होती हैं, जैसे कि क्या कभी कभी होता है कि आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया, वेबसाइट की एक लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, आप एक लिंक पे क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि जब वो दूसरी लिंक खुल जाती है लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं कि जब कोई भी ए ए लिंक, ठीक है, ए लिंक पे जब भी कोई विजिट कर ले, VIS, ओके ITET, जब कोई विजिट कर ले यानी कि एक बार लिंक पे क्लिक कर दे उस लिंक का या उस लाइन का कलर चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, वॉट एवर, जैसे मैं कहता हूँ कि यदि कोई एक बार वहाँ पे आ जाए तो उसका कलर आप कर दो, मान लीजिए कि मेरे पास चार मीनू है, अभी करके दिखाता हूँ, तो आप इसका कलर कर दो सिल्वर, कर दो आप इसका कलर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, साथ में ये जो लाइन है ना ये लिंक वाली, इसको मैं दो तीन बार और पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl C, Ctrl V1, Ctrl V2, Ctrl V3, राइट। इसको मैं इसको मैं लिखता हूँ 2, इसको मैं लिखता हूँ 3 और इसको मैं लिखता हूँ 4। तो इसको मैं कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और मैं अगेन अपने लिंक पे आके रिफ्रेश करते हैं, तीन लाइन आ गया। आप देखिए यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पे विजिटेड, क्योंकि मैंने एक बार हम इस पर विजिट कर चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे इमेज के ऊपर कोई लिंक लगाना, तो हम क्या करेंगे, वंस अगेन वही हम सेम करेंगे। हमने ए एक एंकर टैब लिया नया, साथ हमने कहा HREF की हाइपर रेफरेंस, लिंक हमने क्या दिया HTTP, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश हमने दिया eurobitsoft.com। ओके, देने के बाद में हमने कहा कि इसका जो टारगेट है वो ब्लैंक रखो आप,
प्लेइंग क्यू, जिसे एक नए पेज में ओपन हो। साथ मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया एंकर टैब, ये एक्चुअली ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके बीच में हमने क्या करना कि इमेज टैग, तो हम इसके बीच में अब लिखते हैं img इमेज टैग। सोर्स src, सोर्स क्या है, हमने कहा कि सोर्स में आप रख दो blur.jpg, जो मेरी फाइल का नाम हमने कल लास्ट टाइम यूज किया था। और इसके बाद मैंने इसके alt वैल्यू दी इसकी, कि यदि फोटो बाई चांस ना मिले तो ये यहाँ पे लिख के आ जाए अखिलेश पिक, राइट, माई फोटो। अब मैं इसको इमेज को क्लोज करता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक है। अब कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और हम रिफ्रेश करते हैं, सॉरी फोटो थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको पहले छोटा करते हैं। तो यहाँ पे हम css लिखते हैं सीधे, कि जो भी img हो, ओके, इसकी जो बैकग्राउंड हो, सॉरी इसकी जो विड्थ हो, इस विड्थ को आप कर दो 200 पिक्सल सिर्फ। जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि आप एक चीज़ को सेट कर सकते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाती है उसी अनुपात में। आप देखिए मेरे यहाँ फोटो आ गया और इस फोटो पर देखिए एक लिंक बना, जो ही मैं फोटो पे एक कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये फिंगर में बन जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लिंक है। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये देखो बगल मेरी वेबसाइट eurobitsoft.com खुल के आ गई। क्यों खुल के आ गई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले इस फोटो को ही लिंक बना दिया है, ओके। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो इतना प्रॉपर है आपके लिए, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करें। कल हम फिरेंगे नए वीडियो के साथ में आएंगे, जिसमें लिस्ट बनाना और मेन्यू बनाना सीखेंगे कल, ओके दोस्तों। और मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग क्लियर करूं, कि मेरे अभी एक दोस्त ने मुझे, किसी ने कमेंट किया मेरे यूट्यूब के चैनल पे कि सर जैसे एग्जांपल देके बताते हैं वेबसाइट का, थोड़ा उस तरीके से बताइए ना। दोस्तों मैं एक चीज़ बना दूं, जब एक मूर्ति बनाई जाती है ना, तो उसका हाथ पहले हाथ बनता है, उसका पाँव बनता है, उसकी धड़ बनती है, मतलब कम्प्लीट जब बनती है, पहले उसको डिजाइन किया जाता है, उसके बाद में लोग लोग जोड़ देते हैं बाद में। तो मैं आपको इस तरीके से पहले एक एक पार्ट सिखा दे रहा हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लासेस होंगे अधिकतम। ये 10 क्लास जब आप देख लेंगे, तो सारी चीज़ को जब अलग अलग कर लेंगे, तो मैं आपसे प्रैक्टिकली एक वेबसाइट बनवाऊंगा, टॉपिक दूंगा, बनाऊंगा लाइव एक वेबसाइट बना के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में हम सारे को एक साथ प्लग करके एक वेबसाइट बना देंगे। तो मैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको देखें, इसको शेयर करें। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि देखने वाले बहुत लोग हैं, तारीफ़ करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता कि फेसबुक के अपने चैनल से इस चैनल को, इस हमारे पेज को फेसबुक पर प्रमोट करे या हमारे चैनल को प्रमोट करे। देखिए जैसा कि आप लोग की डिमांड और हमारे इंडिया के कल्चर के हिसाब से हिंदी में लिख मैंने आने का प्रयास इसलिए किया है कि जिससे कि हम लोगों को या इंडियंस को ईजी हो जाए। तो दोस्तों ईजी तब हो पाएगा जब हम भी थोड़ा सा उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप थोड़ा शेयर करना शुरू करिए। मैं देखता हूँ लोग लाइक मार देते हैं, लाइक क्यों मारते हैं भाई, इसको शेयर भी आप लोग करना स्टार्ट करिए, जिससे थोड़ा ग्रोथ हमारे चैनल का। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।